Assalamualaikum, नमस्ते केम चैनल वेलकम टू चैनल, मुझे कहते हैं अर्मी और मेरा नाम है माही। आप देख रहे हैं ब्लास्ट रिएक्शंस और आज की वीडियो में एक सेकंड। अच्छा तो आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं गंगूबाई ऑफिशियल ट्रेलर। नई मूवी का ट्रेलर आया है, रिलीज हुआ है, दो दिन हुए हैं आए हुए एंड और लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि इसके ऊपर रिएक्शन दें। तो अच्छा, इससे पहले हम इसी फिल्म के पता नहीं 7 महीने या 5 महीने पहले इस फिल्म का एक फर्स्ट लुक आया था, एक छोटा सा टीजर आया था, हमने उसके ऊपर भी रिएक्ट किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, पहले उसको चेकआउट कर लें फिर उसको चेकआउट कर लें। सो इसमें इसी के साथ बोलो, इसी के साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर लें, शेयर कर दें, बता दें कि आप किस वीडियो पर जो है वो जरूर करके जाया करो, बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन, मैंने कमेंट्स में भी लोगों को बोला बेल आइकन हिट कर दें ताकि आप जो रिक्वेस्ट हमें दे रहे हैं ना हम पूरी कर देंगे। तो फिर आप बोलेंगे कहाँ की, तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे ना वैसे ही आपका नोटिफिकेशन पॉप आउट हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने डाली है। तो आप जो है वो सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को हिट कर दिया करें। बहुत काम की बात बोली है और इसको देखना शुरू करते हैं। इसका ओवर इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें है, इसमें पता है बड़ा स्वैगी इनका कैरेक्टर है आलिया भट्ट का, क्योंकि इसका टीजर हम देख चुके हैं जो कि आप भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। तो अब इसका पूरा ट्रेलर देखते हैं। कहते हैं कामाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती क्योंकि वहाँ गंगूबाई रहती है। ये टीजर हम भी खिलाए ना। हाँ। ओ भाई बॉस बॉस एंट्री, मतलब यार इतनी सी है ये स्टार की डेन, लेकिन पूरा पूरा टैलेंट है। ओ वाओ लुक चेक करो तुम इनका, इतनी छोटी उम्र में ऐसा कैरेक्टर करना काफी बड़ी बात है। शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे लेकिन ध्यान से सुनना, आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास, पूछो कैसे। आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली घर का नीच नहीं। Oh, shit, man. तुझे क्या लगता है गंगूबाई वो खाती है? मुझे तेवर दिखा रही है, तुझे तो दिन में तारे दिखा। इनको भी हमने देखा है फिल्म में। रसिया बाई का था। हाँ हाँ। कमाठी पुरा रसिया बाई का रहेगा। ओ बॉस। अजय अगर आप सब जुर की रहे, मिट्टी आ जाती है। ए तेरी औकात कर। अजय देवगन भी है इसमें। वाओ नाइस कॉम्बिनेशन, नाइस नाइस कॉम्बिनेशन। ठान लिया गंगू ने हमारे बच्चों को, इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। लिखो माँ का नाम गंगूबाई और बाप का नाम क्या लिखें? माँ का नाम काफी नहीं है, चलो बाप का नाम देवानंद। Wow. Okay. लास्ट में कुछ होगा। अरे जब शक्ति संपत्ति सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर। ओह शिट। जी भाई लिख देना कल के अखबार में कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुका कर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई। कितने फैब को आ रही है? 25 फैब को। वाओ यार वाओ, मतलब इनकी जो इनका जो डायलॉग है ना पूरा यहाँ सब जगह गूज़बम्स आ गए है ना। हाँ। यार मतलब कमाल है इन्होंने ये जो बोला ना सब शक्ति सद्बुद्धि सब औरतों में है तो मर्दों को किस बात का गुरूर है, ये वाली कमाल कंट्रोवर्शियल लाइन हो गई है, काफी कमाल की लाइन हो गई। और वो लास्ट वाली भी के उन्होंने नजरें झुका के नहीं नजरें मिला के बात की है,
यार कितना पावरफुल रोल है, कितना पावरफुल रोल है, डायलॉग्स कितने ज्यादा पावरफुल है, पावरफुल डायलॉग्स भी है और कितनी खूबसूरती से डिलीवर किए गए हैं। मतलब मैं हमेशा आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट को हमेशा जो है ना लोग, मतलब आलिया भट्ट को हमेशा से ना लोग ये समझते हैं कि बच्ची है ऐसी, क्या सिली हरकतें कर रही है, दिमाग नहीं है इसमें, कुछ भी प्रेस के सामने कुछ भी बोल देती है। मतलब यार लेकिन ऐसे कैरेक्टर में उनको देखना और इतनी खूबसूरती से उनका निभाना, मतलब जितने भी लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म है, यार आप लोग ये बात तो मानोगे ना कि आलिया भट्ट असल टैलेंट है उनमें, वो नेपो किड तो है लेकिन स्टार किड भी है, लेकिन उनका जो टैलेंट है वो उसकी वर्थ है। मतलब वो असल में भाई एक्टर है, ये नहीं है कि उनको ऐसे उठा दिया टैलेंट कहीं से। और सिमरन ऑफ द एयर में अलग आलिया भट्ट थी और उसके बाद जो जिस तरह से उनका एवोल्यूशन हुआ है, जिस तरह से उनका, मतलब उन्होंने सारी, और मुझे अच्छा लगता है कि हर फिल्म वो ऐसी लेती है जो चैलेंजिंग होती है। अब आप ये देख लो, गली बॉय देख लो, हाईवे देख लो, टू स्टेट, सारी फिल्मों में उनका जो अंदर का जो एक्टिंग का जो एक स्किल है ना वो निकल के आता है, पॉलिश होता है, और हर फिल्म के बाद लोग ये मानने में मजबूर हो जाते हैं कि शी इज द टॉप एक्टर एक्ट्रेस एंड शी इज द मोस्ट स्किलफुल एक्टर। बात करें आजकल बॉलीवुड में ज्यादातर मूवीज जो है ना, सॉरी टू से, वो इस तरह की ही है कि लड़का है लड़की है और वो बाहर है, डांस है और ऐसे में अजीब सा ही कुछ, लेकिन ऐसे में और बस वो कोई बड़ा एक्टर ले लिया तो मूवी चल रही है, लेकिन ऐसे में कोई ऐसी मूवी जिसके अंदर बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, जैसे कबीर सिंह का था, जैसे कबीर सिंह का, और वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है, मतलब ये तो यार चाहिए ही चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट वाला स्टेप तो हमारे यहाँ इंडिया में हर जगह ही, मतलब हम दोनों इंडिया और हमारा तो इस तरह का कंट्री है कि हमारे यहाँ अभी इतना नहीं है अमेरिका जैसा सिचुएशन कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत हो गई हो, तो ऐसी जगहों पे और छोटे छोटे स्टेट्स में, गांव में बहुत जरूरत है ऐसी जगह, क्योंकि मूवी मुझे लगता है कैसा है, एक ऐसा मीडियम है जो गांव में भी लोग देखते हैं, शहर में भी देखते हैं, हर तरह के लोगों को ना एक अच्छा मैसेज मिल जाता है मूवी से, क्योंकि अभी हम लोग कोई बात करेंगे लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब वो फिल्म के अंदर जो वो देखेंगे उस चीज को तो वो अच्छा मैसेज उनके अंदर कन्वे होगा। इतना ज्यादा पावरफुल ये सीन था और इतने ज्यादा पावरफुल जो है ये ट्रेलर था, अच्छा मुझे पता था गंगूबाई के टाइटल से, मतलब ये मुझे पता था, मालूम था कि टीजर देखा हुआ था, मतलब गंगूबाई के जो टाइटल से ये पता था कि बहुत ज्यादा कुछ पावरफुल होने वाला है, बट और आलिया भट्ट की जो यार एक्टिंग है, उंका जो एक्सप्रेशन है, मतलब किसी को गूज़बम्प्स ना आए, प्लस अजय देवगन को ले लिया उनके साथ में तो सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, क्योंकि वो भी उनका बड़ा अच्छा फेस, एक एक्सप्रेशन वाला है, सिंघम टाइप का रोल करते हैं वो, तो ऐसे में सही है, सिंघम टाइप का रोल करते हैं, अच्छे अच्छे लगते हैं। हाँ तो ये बहुत जबरदस्त इनकी एक्टिंग थी, और कुछ डायलॉग्स इतने ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहे थे, इतने ये कि मर्दों का क्या काम है भाई, मर्दों के साथ गुरूर है, मतलब ये बात, मतलब ठीक है मर्दों का भी अपना एक स्टेटस है, बट ये जो इन्होंने बात की, काफी औरतों को इंस्पिरेशन मिल सकती है कि भाई औरतें भी कुछ कर सकती हैं, इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं वो, उनका कैरेक्टर वो जिस तरह से वो इज्जत वाली लाइन वो कहती हैं, वो इतना ज्यादा इज्जत वाला, और वो बच्चों को समाज में इज्जत दिलानी है, उनका हक दिलाना है, बाप के नाम पे क्या लिखना है, मतलब वो काफी इमोशनल सीन था यार, कि माँ का नाम काफी नहीं है, कि बाप का नाम, ऐसा होता है हर जगह, बोलते हैं अपने अब्बू का, मतलब अम्मी का नाम काफी, फादर का बताया, मदर का नाम काफी, अपने पिता का नाम बताए, अपने अब्बा का नाम बताए, इस तरह कहते हैं। खैर ओवरऑल दिस ट्रेलर सो एक्साइटेड टू वॉच द मूवी यार, मतलब कमाल, दिल खुश हो गया, दिल और दिमाग पूरा वो क्या कहते हैं जीतला, तृप्त हो गया पूरा दिमाग और दिल सब तृप्त हो गया। सो या अगर आप लोग को ये रिएक्शन अच्छा लगा है तो कमेंट्स करें, और हमें तो बहुत अच्छा लगा है, वी आर रियली रियली वेटिंग फॉर दिस मूवी टू कम, एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में इस पर के लिए।